चैनल तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे। सो आज काफ़ी मुश्किल दिन है मेरे लिए, क्योंकि आज बाबू को इंजेक्शन लगने वाला है। उसका टिटनेस का शायद से डोज लगेगा और एक नहीं दो दो इंजेक्शन लगने वाले हैं, जो उसके बर्थ के दिन मतलब 5 तारीख को वो हुआ था और 5 को ही 2 इंजेक्शन उसको लगे थे। उसमें तो बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ था, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। और मैं अपनी हालत सोच रही हूँ कि मुझे फर्स्ट TT का डोज लगा था तो मेरी क्या हालत हुई थी हाथ की, और काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि मैंने अपनी दीदी के बच्चों को देखा है कि उनकी हालत क्या रहती है। हाथ पैर हिलाना मुश्किल हो जाता है और मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। तो अभी थोड़ी देर में निकलेंगे हम लोग हॉस्पिटल के लिए और देखते हैं क्या होता है, कैसे संभालूंगी। समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी लगवाना तो है, ये ज़रूरी है। दिखाते हैं आपको, हमारा बाबू रेडी है हॉस्पिटल जाने के लिए। ना बेटा, ये तैयार है अपना इंजेक्शन लगवाने के लिए। मम्मी आज इंजेक्शन लगेगा, इसको आपको डर लग रहा है? सबकी हालत खराब है क्योंकि बहुत रोएगा, बहुत चिल्लाएगा। देखो कैमरा में देख, अरे हंस दो थोड़ा कैमरा में देख के, हंस दो भाई, अपनी जनता को हंस के दिखा दो भाई। बाबू हंस दो, अभी हंसेगा, अब इसके पैर में गुदगुदी करो तो हंसता है ये। अब नहीं हंसेगा, जान रहा है ना, भाव मार रहा है। अब भाव कहेगा ये, बहुत भाव खाते हो भाई, इसको बहुत गुदगुदी लगती है, बहुत भाव खाते हो तुम। तो अभी जब निकलेंगे, अभी मेरे पति देव जी आ जाएंगे, फिर हम लोग निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए और दिखाएंगे आपको। और आज इसका बर्थ सर्टिफिकेट भी लेना, उस दिन नहीं ले पाए थे क्योंकि 1 बजे के बाद लेने का टाइम था और हम लोग 10 ही बजे 12 बजे तक पहुँच गए थे घर पर। तो आज लेंगे इसका बर्थ सर्टिफिकेट। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो हम लोग निकल चुके हैं कहाँ के लिए? और ये भी काफी ज्यादा डरे हुए हैं, मम्मी भी काफी ज्यादा डरी हुई हैं और मेरे को भी काफी ज्यादा डर लग रहा है इस बात का, क्योंकि कैसा क्या रहेगा, कितना दर्द होगा इसको बेचारा छोटा सा बच्चा नन्ही सी जान। जब मेरी इतनी हालत खराब थी तो ये तो फिर नाजुक सी जान है। और ये गाड़ी में मस्त घूम रहे हैं ये। बाबा को पकड़ेगा, बड़े पापा को पकड़ेगा, पापा को पकड़ेगा। देखे जा जा जा, शना शना। तो हम लोग आ गए हैं इंजेक्शन लगवाने, सुबह में लग नहीं पाया था तभी शाम में आया। अच्छा है कि ये सो गया है, बाकी देखते हैं अंदर से धक 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 हो रखा है, डर सा लग रहा है। बस छोटा सा लगा है, अभी कुछ नहीं हुआ। बस
दर्द वाली सबसे लास्ट में लगाइएगा। चलो चिल्ला चिल्ला नहीं उस दर्द। अच्छा बुखार बुखार भी आएगा, बुखार बुखार भी आएगा, बुखार आएगा तो उसके लिए कुछ इसको दवाई देंगे। पकड़े ये सब भी चीजें बना दी हैं, ये सब चीजें पुराने जमाने में हो गए। अरे आओ ले आओ पी लो। इसके काफी ज्यादा सूजन हो गई थी, इस पैर में 3 इंजेक्शन लगे, देख सकते हैं आप। 3 इंजेक्शन लगे थे इसको, मैं तो सोची थी 2 लगेगा लेकिन 3 लगे, 2 पैर पे लगे हैं, 1 हाथ पे लगा है। और कौन कौन सा लगा है वो मैं भी, कौन कौन सा इंजेक्शन इसके लगा है, जिसमें से एक ही इसको पेन दे रहा है, इस पैर वाला लेफ्ट पैर का ही पेन दे रहा है इसको काफी ज्यादा। और मेरे को ये रो रहा था, मैं रो रही थी कल रात में, इंजेक्शन लगा था तब भी मुझे रोना आ रहा था, मेरे को अपना सोच के रोना आ रहा था कि जब मुझे लगा था तो मेरी क्या हालत है, फिर इस छोटे से बच्चे की क्या कंडीशन होगी। बहुत रोया है रात भर, बहुत चिल्लाया है, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सका हम लोगों ने सेकाई करी ठंडे पानी से। डायरेक्ट बर्फ़ से करने को मना किया था डॉक्टर ने, तो डायरेक्ट बर्फ़ से ना करके बर्फ़ को पानी में डाल करके एकदम पानी चिल्ड करके और उसे सॉफ्ट कपड़े से इसकी सिकाई कर रहे थे बार बार। बेचारा सुस्त हो गया एकदम से, इसके गले वाले में भी दर्द हो रहा, इतना तो मतलब इतना कभी जब से हुआ इतना कभी नहीं रोया जितना कल रोया है, इतना चिल्ला चिल्ला करके कि क्या ही बताऊँ। ना दूध पी रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा रो रहा था, फीवर काफ़ी ज़्यादा तेज आ गया है। तो अगर आप लोगों के भी बच्चों को लगता है तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं आपको बता दे रही, फीवर तो आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इसको आया है वो ठीक है। बाकी आप जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके सिकाई करिए ठंडे पानी से, डायरेक्ट बर्फ़ से मत करिए, क्योंकि बच्चा है, नाजुक चमड़ी होती है, इनकी स्किन नाजुक होती है, तो डायरेक्ट बर्फ़ भी नुकसान कर देगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे पानी से इसको सिकाई करिए। और ये कान अपना बार बार मोड़ लेता है, उधर ही सर करके सोने की आदत है। तो सूजन, अभी तो सूजन भी कम है, कल ये वाला पैर बिल्कुल हिला ही नहीं रहा था, एकदम इस पैर में कोई मूवमेंट नहीं थी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने सिकाई करी है तो सूजन भी कम है। और क्या बोलते हैं, सो रहा था जब हम लोग इधर से गए कल सुबह में, तो सर कमाली बात बोली क्या। हाँ कल हम लोग सुबह में गए तो सुबह में इंजेक्शन लग नहीं पाया था किसी रीज़न की वजह से, फिर हम लोग शाम को गए तो ये रास्ते में सो गया था। वहाँ जैसे ही लगा, हाथ पे लगा और इतनी तेज़ चिल्लाने लगा, वीडियो में आप लोग अभी देखेंगे ही, देखे ही होंगे कि कितना चिल्ला रहा था। फिर लगातार दोनों पैर में, भाई बच्चों के लिए भी
भगवान अलग ही चीज़ें बना रखे, लेकिन ये भी ज़रूरी है इंजेक्शन लगना भी, और ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इनके आगे के लिए। तो जैसा जैसा रहेगा बताएंगे आपको। मुँह खोल के सोने की आदत पड़ गई है।